आइए, आपका स्वागत है। मेल सेक्सुअल रिस्पॉन्स के बारे में आज हम आपसे बातचीत करेंगे। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर। मैं मनोविकार, सेक्स रोग सम्मोहन तथा व्यसन मुक्ति तज्ञ हूँ। महाराष्ट्र में अकोला में प्रैक्टिस करता हूँ। टोटल सेक्स जो है, मतलब टोटल प्रक्रिया जो है सेक्स की, तो उसमें होता क्या है कि मेल फीमेल साथ में आते हैं, पति पत्नी साथ में आते हैं, मेल फीमेल साथ में आते हैं और वो सेक्स करते हैं। तो पहले शुरू में वो 5 से 10 मिनट तक वो पहले काम क्रीड़ा करते हैं, फोर प्ले बोलते हैं उसको। काम क्रीड़ा जब करते हैं, फोर प्ले करते हैं, तो एक दूसरे को स्टिम्युलेट करना, एक दूसरे को उत्तेजित करना, एक दूसरे के काम वासना को जागरूक करना, जैसे कि मेल फीमेल को करेगा उत्तेजित, फीमेल मेल को करेगी उत्तेजित, और दोनों भी उत्तेजित होते रहते हैं, वो है फोर प्ले। और बाद में फिर एक्चुअली इंटरकोर्स चालू होता है। अभी इसमें ह्यूमन सेक्सुअल रिस्पॉन्स जो है, जो रिस्पॉन्स देता है व्यक्ति, उसमें चार स्टेजेस है या चार फेजेस है। नंबर एक है एक्साइटमेंट फेज, नंबर दो है प्लेटिव फेज, नंबर तीन है ऑर्गेजम, नंबर चार है रिजोल्यूशन फेज। अभी एक्साइटमेंट में क्या होता है, एक्साइटमेंट फेज में, एक्साइटमेंट फेज में क्या होता है कि दोनों भी बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं, कामोत्तेजना बहुत हो रही है, लैंगिक वासना बहुत उभरती है, बहुत ज्यादा हो जाती है लैंगिक वासना, और कोई भी फिजिकल या मेंटल स्टिमुलेशन जो है उससे बहुत ही ज्यादा लैंगिक वासना बढ़ जाती है, लिंग उत्तेजित हो जाता है, कठोरता उसमें आती है, जितनी ज्यादा उत्तेजना उतनी ज्यादा कठोरता उसमें आती है, और करीब करीब आधा पाव से एक पाव तक, मतलब 125 ml से 250 ml तक ब्लड पेनिस में घुस जाता है। तो ये हो गया एक्साइटमेंट फेज। बाद में फिर आती है प्लेटू फेज। प्लेटू फेज मतलब वो जो एक्साइटमेंट है वो कायम रहता है, मतलब इरेक्शन कायम रहेगा, उत्तेजना कायम रहेगी, एक दूसरे को स्टिमुलेशन करना, एक दूसरे की मतलब कामोत्तेजना करना और एक दूसरे का इंटरेस्ट कायम रखना, वो प्लेटू फेज में होता है। और वो उत्तेजना जो है एक लेवल पे स्थिर हो जाती है। ये होगी सेकंड प्लेटू फेज। फिर तीसरा है ऑर्गेजमिक फेज, ऑर्गेजम। तो ऑर्गेजम में क्या होता है कि ऑर्गेजम में चरम अवस्था है सेक्सुअल एक्साइटमेंट की, बहुत चरम अवस्था की, जिसमें इजैकुलेशन हो जाता है, पतन हो जाता है, वीर्य पतन हो जाता है, उसमें बहुत उत्तेजना आके वीर्यपतन होता है। वीर्यपतन के बाद में एकदम मन को शांति लगती है, रिलैक्स हो जाता है, फीमेल भी रिलैक्स हो जाती है, मेल भी रिलैक्स हो जाता है। तो वो है ऑर्गेजम, ऑर्गेजम फेज, बहुत ही अत्युच्च अवस्था है। फिर नेक्स्ट है रिजोल्यूशन फेज। रिजोल्यूशन फेज मतलब दोनों की शांति हो जाती है, दोनों शांत हो जाते हैं, मेल फीमेल, इरेक्शन जो है वो निकल जाता है, क्योंकि वो जो खून है 125 से 250 ml खून जो है वापस बॉडी में आ जाता है और कठोरता निकल जाती है, दोनों निश्चित गिर जाते हैं या पड़े रहते हैं, या फिर दोनों एक दूसरे को स्टिमुलेशन कर सकते या करते रहते हैं। तो ये होगी रिजोल्यूशन फेज। और बाद में आती रिफ्रैक्टरी फेज। अभी ये प्रॉब्लमेटिक है। प्रॉब्लमेटिक ऐसा है कि रिफ्रैक्टरी फेज ऐसी होती है कि उसके बाद में कुछ समय तक वो सेकंड चांस नहीं ले सकता, सेकंड चांस लेने के लिए वो उत्सुक नहीं रहता, सेकंड कॉन्टैक्ट के लिए, सेकंड इंटरकोर्स के लिए वो इतना स्टिमुलेशन उसको आता नहीं है। होता क्या है कि काफी लोग मेरे पास में आते हैं, वो बोलते हैं कि मुझे लिंग में कठोरता आती नहीं, नपुंसकत्व आया हुआ है। मतलब भाई क्या उम्र है, बोले अभी 41 साल की उम्र है। तो अभी तक मैं रात में 2-2 बार करता था, अभी सिर्फ एक ही बार कर रहा हूं। तो मतलब उन लोगों को लगता है कि 2 बार किए तो नॉर्मल है, 1 बार किए तो एबनॉर्मल है। तो उसका रिफ्रैक्टरी पीरियड जो है वो भी बढ़ गया। पहले रिफ्रैक्टरी पीरियड छोटा था, तो सेकंड टाइम उसको इच्छा होती थी करने की, अभी सेकंड टाइम इच्छा नहीं हो रही जल्दी। हो सकता है कि उम्र का तकादा है, दिमाग में टेंशन है, प्रॉब्लम्स है वो ज़्यादा फेस कर रहा है वो, और उसकी वजह से काफ़ी सारे फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से उसको सेकंड टाइम इच्छा नहीं होती उतनी, या बहुत टाइम लगता है। बोले मुझे 12 घंटे के बाद में ऐसा लगता है कि अभी मैंने सेकंड कॉन्टैक्ट करना चाहिए। मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप 24 घंटे में 1 बार किया तो भी हरकत नहीं है, क्योंकि रिफ्रैक्टरी पीरियड जो है वो लंबा होते रहता है। 17, 18, 19, 20 ये जो उम्र है, ये उम्र में हो सकता है कि 2 घंटे बाद 3 घंटे बाद में फिर से सेक्स करने की इच्छा होती है और व्यक्ति फिर सेक्स कर सकता है। अभी जैसे उम्र बढ़ जाती है तो रिफ्रैक्टरी पीरियड लंबा होते जाता है। जैसे उम्र बढ़ जाती है 50-55 साल के बाद में, तो रिफ्रैक्टरी पीरियड बहुत ज़्यादा हो जाता है। हो सकता है कि हफ्ते में 1 बार सेक्स करने की इच्छा होगी या 2 हफ्ते में 1 बार सेक्स करने की इच्छा होगी, या कुछ लोग ऐसे कि काफ़ी उम्र होने के बाद में महीने भर में 1-2 बार सेक्स करते हैं, क्योंकि रिफ्रैक्टरी पीरियड भी बढ़ जाता है। तो इस तरह का ये सेक्सुअल रिस्पॉन्स साइकिल है। ये जानकारी लोगों को नहीं है, ताकि फिर ये लोगों को जानकारी नहीं रहने से लोग पेशेंट बन जाते हैं। तो ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आप ये शेयर करो, ताकि लोगों को सेक्स के बारे में
ज्ञान हो जाएगा और उनके काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाएंगे। हमारा जो हॉस्पिटल है अकोला में, यहाँ दो हॉस्पिटल है जिसमें हम लोगों का इलाज करते हैं, एक है विथ रिलेटिव्स, रिश्तेदारों के साथ में हम भर्ती करते हैं, रिश्तेदारों के अलावा लोगों को भर्ती करते हैं। काफ़ी सारे मेरे वीडियोज़ हैं यूट्यूब के ऊपर, आप आपका प्रॉब्लम डालो और मेरा नाम डालो तो आपको वीडियो मिल जाएगा। तो ये जरूर देखिएगा, ये वीडियो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। थैंक यू वेरी मच।